इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर के पंडित दीनदयाल रसोई केंद्र पर, जो बस स्टैंड के ऊपर स्थित है मंदसौर में, और यहाँ 10 रुपये में खाना दिया जाता है। आइए आज इसका रियलिटी टेस्ट करते हैं, क्या सुविधाएं, किस तरह की साफ सफाई है और किस तरह से ग्राहकों में संतुष्टि है या नाराजगी है, आइए देखते हैं। मंदसौर की दीनदयाल रसोई केंद्र में घुसने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी शानदार रेस्टोरेंट में आ गए हूँ। यहाँ की टेबल और कुर्सियां पूरी तरह से साफ थी, कुछ ग्राहक आराम से भोजन कर रहे थे, साथ में इस रसोई केंद्र में मिलने वाले भोजन की तारीफ कर रहे थे। खाना कैसा है? बहुत बढ़िया था, जब से आ रहा हूँ जब से अच्छा खाना मिल रहा है। कितने रुपए मिलता है खाना? 10 रुपए में खाना मिलता था, बढ़िया। अच्छा, और क्या क्या मिलता है खाने में? खाने में हम चावल दाल गेहूँ की रोटी और चटनी वगैरह, ये मीठी वगैरह सब मिलती है। तो सेव भी आप अलग से लेके आते हैं क्या? ये तो हम ट्रांसपोर्ट से देते हैं, हमारे हमारे। अच्छा, वो ले आते हैं नमकीन, हाँ, खा लेते हैं कभी कभी लेते हैं। तो आप मानते हैं कि ऐसा सस्ता खाना अगर मिलता तो फायदा रहेगा? हाँ साहब, बहुत फायदा है गरीबों को, सब गरीबों को बहुत फायदा इस खाने से। दिन भर में तो एक ही टाइम खाते हैं यहाँ पे? हाँ, एक टाइम खाते हैं, और शाम के लिए हम ले जाते हैं यहाँ से 10 रुपये ले जाते हैं। 10 रुपये तो कितना रुपए कमा लेते हैं आप सर रोज? हम 200-300 रुपए के कमा लेते हैं ट्रांसपोर्ट पर, मजदूरी में। जी, और क्या करते हैं? हम मली करते हैं, ठेले साथ चलाते हैं। ठीक है साहब, मतलब ऐसी योजना अगर चलते हो, आप दूसरे होटल में खाते तो कितने का पड़ता है? दूसरे होटल में 30-50 रुपए लगते थे सर। 50 रुपए लगते हैं यहाँ खाना भरपेट मिलता है आपको? हाँ, पक्का पक्का पुर जाता है आपको? हाँ। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी ठीक है सर, क्वालिटी ठीक है। तो आप डेली यहीं आते हैं क्या? हाँ, कभी कभी घर जाता हूँ, कभी आ जाता हूँ। अच्छा। मतलब काम ज़्यादा रहता था, यहाँ ज़्यादा। ऐसा कभी कोई खाने में शिकायत वगैरह? नहीं सर, अभी तक तो नहीं सर। ऐसा मतलब रोटी वगैरह दाल वगैरह? नहीं नहीं, ठीक है सर। 10 रुपये में क्या लेंगे? ग्राहकों की संतुष्टि के मामले में ये दीनदयाल रसोई केंद्र खरा उतरा। इसके बाद एमपी तक की टीम ने जायजा लिया इस केंद्र के किचन का। किचन में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था, रसोई बनाने में लगे कर्मचारी मास्क लगाए हुए थे, साथ ही साथ सफाई के पूरे इंतजाम थे, यानी साफ सफाई और कोरोना गाइडलाइन के मामले में भी ये केंद्र काफी बेहतर दिखा। तभी हमारी यहाँ नजर खराब पड़ी मशीन पर पड़ गई। इस मशीन को यहाँ पर रोटी बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन अब खराब हो गई है, इसकी वजह से अब हाथों से ही रोटी बनानी पड़ती है। इस केंद्र के संचालक की माने तो ये मशीन पिछले 6 महीने से खराब पड़ी हुई है। इसकी शिकायत कई बार इसे बनाने वाली कंपनी से की जा चुकी है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। दीनदयाल रसोई केंद्र के संचालक की माने तो यहाँ पर आने वाले ग्राहक भोजन से काफी खुश हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अभी इसके प्रचार की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब यहाँ आकर अपना पेट भर सके। मनोज जी, एक बात बताइए कि जो यहाँ पे आप आहार केंद्र चला रहे हैं जी, तो किस तरह की क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, और आपको क्या परेशानी आती है और कैसे चलाते हैं आप? नहीं, पब्लिक का रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, अभी थोड़ी और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है इसमें। 10 रुपये में हम लोग भोजन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर लोगों को, और जिसमें 2 सब्जी, चावल, रोटी और 1 मिठाई रोज़ देते हैं। मिठाई नहीं होने, मतलब मिठाई की जगह हम सप्ताह में 2 दिन दाल वाफले देते हैं और 1 दिन खीर पूड़ी देते हैं। ठीक है, तो सरकार के द्वारा क्या मदद दी जाती है, आप कैसे चलाते हैं? गवर्नमेंट ने हमको एक तो ये हॉल जो आप देख रहे हैं ये प्रोवाइड किया हुआ है, किचन प्रोवाइड किया हुआ है, टेबल कुर्सियाँ सब गवर्नमेंट की है, लाइट खर्चा गवर्नमेंट का है, और चावल और गेहूँ हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें कितने रुपये की लागत आपको आ जाती है? हमको लगभग इसमें लागत तो साहब एक आदमी के भोजन में लगभग 10 रुपये के आसपास आती है। 10 रुपये के आसपास मिलता है? 10 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं हमको। पहले क्या मिलता था? पहले 5 रुपये। ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? दानदाताओं के द्वारा, इष्ट मित्रों के द्वारा। इस रसोई केंद्र पर जो भी समय से पहुंचता है उसे मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है। मंदसौर का दीनदयाल रसोई केंद्र शिवराज की इस योजना को सफल बना रहा है और साथ ही साथ गरीबों को भरपेट भोजन के वादे को साकार कर रहा है। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट, एमपी तक।